हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर ऑपरेटिंग ए कंप्यूटर, जिसमें हम स्विचिंग ऑन ए कंप्यूटर एंड स्विचिंग ऑफ ए कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, उसको करते हैं। कुछ चीजें की पिक्चर्स बनी हुई है, जिसमें से जिन चीजों को हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं उनको टिक करना है। जैसे कि बल्ब है, उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, फैन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, बाकी दो चीजों को हम ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, स्विचिंग ऑन है कंप्यूटर। तो जब आपको पता है कि कंप्यूटर बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो इसको स्विच ऑन करने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले मेन पावर को ऑन किया जाता है, उसके बाद यूपीएस को ऑन किया जाता है, और यदि बिजली चली जाती है तो यूपीएस में हम कंप्यूटर में काम कर सकते हैं। फिर सीपीयू ऑन करते हैं, और उसके बाद कंप्यूटर मॉनिटर ऑन करते हैं, और फिर थोड़े समय के लिए वेट करते हैं। कुछ समय बाद कंप्यूटर पर ऑन हो जाता है और उसमें एक विंडो दिखाई देती है, जिसे कि वेलकम स्क्रीन बोलते हैं। और ये स्क्रीन जो है मॉनिटर पर, इसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। और ये डेस्कटॉप पर जो पिक्चर होती है बैकग्राउंड में, इसको वॉलपेपर बोला जाता है। उसमें छोटी छोटी जो पिक्चर्स हैं उनको आइकन्स बोलते हैं। और डेस्कटॉप के लेफ्ट लोअर कॉर्नर में हम स्टार्ट बटन देखते हैं, स्विचिंग ऑफ ए कंप्यूटर। अब बच्चों, जैसे हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, उसी तरह से कुछ स्टेप्स को फॉलो करके हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं, जिसको हम शटिंग डाउन ऑफ ए कंप्यूटर बोलते हैं। तो कंप्यूटर शट डाउन करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन को क्लिक करना है, उसके बाद पावर बटन को क्लिक करना है। थ्री ऑप्शंस आएंगे वहां पर, उसमें से शट डाउन ऑप्शन को चूज करके क्लिक करना है। और फिर एक विंडो आएगी मैसेज शट डाउन के लिए, जिसमें कि कुछ सेकंड लगेंगे और फिर कंप्यूटर बंद हो जाएगा। उसके बाद मॉनिटर स्विच ऑफ करना है, फिर यूपीएस स्विच को ऑफ करना है, और फिर मेन पावर बटन को स्विच ऑफ करना है। तो बच्चों, कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को आपको कवर करके रखना चाहिए जब कंप्यूटर यूज में नहीं होता है। थैंक यू।